आज मैं बच्चों आप लोगों को धान की मॉर्फोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कौन सा पार्ट को क्या नाम कहते हैं। ये आप देख रहे हैं एक धान में, ये क्या है हिंदी में इसको कल्ले कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं टीलर्स। टीलर्स में भी टीलर दो तरीके के होते हैं, एक छोटे टीलर होते हैं जो टीलर में अभी तक फूल नहीं आया वो कम साइज का है तो उसमें दाने के भरने की संभावना कम होती है जो बात क्योंकि अब हाँ जो बाद में आते हैं अभी तक जो फूल भी नहीं खिले हैं, तो ये नॉन इफेक्टिव टीलर्स है। और इफेक्टिव टीलर्स वो माने जाते हैं या प्रोडक्टिव टीलर्स या इफेक्टिव टीलर्स वो माने जाते हैं जिनमें कि फल या फूल लगे हों। फूल जिसमें आ गया है वो हम समझ सकते हैं कि इफेक्टिव टीलर्स है। जैसे इसमें हम संख्या गिन सकते हैं कि कितने इफेक्टिव टीलर्स हैं, जिन जिन में टीलर्स में फूल आ गई है वो टीलर्स क्या कहे जाएंगे, इफेक्टिव टीलर्स या प्रभावी टीलर या प्रोडक्टिव टीलर्स कहे जाते हैं। दूसरा, इसे जो है ये नोड है टीलर्स में, देखोगे कि एक नोड है, ये गांठें देख सकते हैं आप, है ना, ये गांठें हैं और दो गांठों के बीच की दूरी को हम लोग इंटरनोड कहते हैं। दो गांठों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, इंटरनोड कहेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक के क्या कहेंगे, इंटरनोड कहेंगे। और सबसे ऊपरी पत्ता जहाँ से दाना निकल रहा है हमारा जो पेनिकल जो है इसके इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, पेनिकल कहते हैं। जो पुष्पक्रम है वो कैसा है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहेंगे, इसको पेनिकल्स कहेंगे राइज के। और इसमें आप देखिएगा कि जो सबसे ऊपरी पत्ता है ना, जो पेनिकल्स से जुड़ा हो, उस पत्ते को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैग लीफ। क्या कहेंगे इसे, फ्लैग लीफ। और आप ये भी देख सकते हैं कि फ्लैग लीफ के कॉलर रीजन में बहुत सारे दाने जो होते हैं, मतलब ये पैनिकल जो होते हैं इन्फ्लोरेसेंस राइस के, वो ढके रहते हैं, जिनका कि परागण नहीं हो पाता ढके होने की कारण से। और धान भी देखोगे जब इतना दूर तक धान जिसमें पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर सीड सेटिंग हुआ, तो सीड सेटिंग, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन केवल ऊपरी भागों में जो निकला हुआ भाग है पूर्ण रूप से उसमें तो होता है, लेकिन जो भागें प्रायः इससे ढकी रह जाती है इन पत्तियों से, फ्लैग लीफ के कारण से कुछ पत्तियां जो हैं सो की ऐसे क्या होती हैं, ढकी रहती हैं, तो इन ढकी रहने की वजह से इनमें परागण नहीं हो पाता। और जब परागण नहीं होता तो फिर निषेचन नहीं होता, और जब निषेचन नहीं होता तो बीज का निर्माण नहीं होता, तो खखरी जैसा हो जाता है उसके। ये तो रहेंगे बाहर से ऊपर से इसके, दाना नहीं रहता, लेकिन अंदर में दाना नहीं होता। अब यहाँ इसके बाद आप देखिएगा, ये जो पत्ता है इसको हम लोग कॉलर कहते हैं, कॉलर रीजन, ये जहाँ ना, ये देखिए ये क्या है, कॉलर। हाँ, जैसे हम लोगों के यहाँ पे ये कॉलर है ना, उसी तरीके से धान को भी वैसा कॉलर होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलर रीजन। और यहाँ कॉलर रीजन से जस्ट बगल में ऊपर में थोड़ी थोड़ी खुरदरी संरचना पाई जाती है, उसको हम लोग ऑरिकुल कहते हैं। हाँ, ऑरिकुल्स, इसके क्या कहते हैं, ऑरिकल्स कहते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन ऑरिकल्स है, AURICLE है ना, ऑरिकल्स कहेंगे इसे। और ये जो है हमारा वेनेशन कैसा है पत्ती में, पैरेलल वेनेशन है। और पैरेलल वेनेशन के बाद क्यों, पैरेलल वेनेशन जो एक बीज पत्री पौधे होते हैं उनके पत्तियों का प्रमुख लक्षण है समानांतर सिरा विन्यास। और इसे जो है सो ये हम कहते हैं, ये जो चौड़ा वाला भाग है इसे लेमिना कहते हैं। लेमिना को हिंदी में फलक कहा जाता है। ये जो चौड़ा है, एक पत्ता का यहाँ भी देख सकते हैं आप, देखो राम के लावन, ये
ये जो है जो ये इतना चौड़ाई भाग को क्या कहेंगे? लेमिना। लेमिना कहते हैं। हाँ ये भी लम, ये चौड़ा है ना लेमिना। इसी तरीके से जब हम फ्लैग लीफ की आप इधर आ जाओ, फ्लैग लीफ की हम लोग क्या करते हैं या ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो फ्लैग लीफ की हम लंबाई और चौड़ाई को लेते हैं। फ्लैग लीफ का एरिया जितना बड़ा होगा है ना, ऐसा कायनात लगाया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ज़्यादा होगी और वहाँ पे फल जो यहाँ पे जो संचित भोज्य पदार्थ की जो मात्रा है वो यहाँ पे दानों में बढ़ेगी। प्रकाश संश्लेषण होगी तो क्या होगा, यहाँ पे भोजन का निर्माण होगा और ये जाके इसमें दानों में संरक्षित होंगे। तो फ्लैग लीफ एरिया कैसे नापेंगे हम? फ्लैग लीफ एरिया को यहाँ से बीच के भागों से क्या किया, नाप दिए और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई को नापे तो वो क्या कहलाया जाएगा, फ्लैग लीफ लेंथ। और फ्लैग लीफ विड्थ, विड्थ कौन सी, चौड़ाई हुई। तो जो सबसे ऊपरी पत्ता जो है उस ऊपरी पत्ते का क्या किए हम, लंबाई नापे और ऊपरी पत्ते की क्या किए, चौड़ाई नापे और फिर गुणित करते हैं तो फ्लैग लीफ एरिया निकल आता है। और जिन पौधों के फ्लैग लीफ एरिया ज़्यादा हुए तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होगी। और कभी कभी तुम देखते होगे कि कोई कोई छोटा रह जाता है तो वहाँ पे उन पत्तियों पे उतने ज़्यादा सूर्य प्रकाश नहीं पड़ते तो उपज पे प्रभाव पड़ता है। हाँ हाँ, इसके बाद जो है सो एक चीज़ और छूट रहा था, ये धान के फ्लावर्स हैं ना, तो धान के फ्लावर्स में देखेंगे आपकी तीन तीन करके ये, इसको हम परागकण कहेंगे जो बाहर निकले हुए हैं है ना, तीन तीन करके परागकण निकले हुए हैं तो इसको एंथर्स भी कहते हैं। परागकण हैं जो बहुत मुग्धजोली हैं, आप देख सकते हैं इसको, ये क्या हो गया, परागकण हो गया। और परागकण के हटाने के बाद आप इसमें देखिएगा कि उजले कलर की पतली सी दो, इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं और इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा दूसरे में देख सकते हैं, ये पतला सा वाइट उजला कलर का देख रहे हो ना, ये उजला, ये उजला है और फिदरी संरचना है, फिदरी संरचना उजला है और फिदरी संरचना इसको पराग कण को ग्रहण करने में काफ़ी मदद करता है। ये इसके वर्तिकाग्र हो गए जो फीमेल पार्ट है और ये जो है सो क्या है, जो पराग कण जो लटक रहे हैं वो मेल पार्ट है।